हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको सूट की फिटिंग के निशान लगाना सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। जैसे कि दोस्तों हमारे पास कोई बना हुआ सूट है, उसके हिसाब से दोस्तों हम सूट में निशान लगाना चाहते हैं, यानी कि उसी नाप का ही सूट बनाना चाहते हैं उसी फिटिंग का। तो दोस्तों उसके निशान किस तरीके से लगाएंगे सारा कुछ दोस्तों हमने वीडियो में बता रखा है। वीडियो छोटी सी है दोस्तों, अच्छे से वॉच करेंगे तब एक बार में ही सीख जाएंगे। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को लॉक कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। इसी तरह सिलाई से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेंगी। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, जिस फिटिंग का आपको निशान लगाना है सूट का, उसी फिटिंग का ही दोस्तों आपको सूट लेना है, ठीक है, जैसे हमने ले रखा है। अब इसकी फिटिंग कैसे लेंगे, नाप कैसे लेंगे, सारा कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, नॉर्मली आपको ये सूट बिछा लेना है, ठीक है। आप काउंटर पर या जमीन पर अच्छे से बिछा सकते हैं, झोल वगैरह नहीं आनी चाहिए, एकदम फिनिशिंग से आपको बिछाना है। नीचे की तरफ दोस्तों हमारे चाक ओपन हुए हैं, तो दोस्तों नीचे की तरफ इस तरीके से काउंटर के बराबर से आपको बिछा लेना है, ठीक है। हमने ये सूट पूरा अच्छे से फिनिशिंग से आपको बिछाना है, गला वगैरह अच्छे से फिनिशिंग से आपको सेट करना है, कहीं पर भी दोस्तों हमारी झोल वगैरह नहीं आनी चाहिए। अब क्या करना है दोस्तों, आपको इंची टेप लेना है और दोस्तों बगल की तरफ हमें अच्छे से फिनिशिंग से सूट को नापना है, ठीक है। जहाँ से आपकी बगल है उस जगह से दोस्तों, जहाँ से हमारी बाजू जॉइंट है उस जगह से आपको नापना है। तो दोस्तों हमारी चेस्ट जो आ रही है वो आ रही है दोस्तों हमारी 19.5 इंच, ठीक है। चेस्ट हमारी 19.5 इंच है। अब दोस्तों जहाँ हमारी गुलाई है उस जगह पर दोस्तों आपको कमर का नाप लेना है। जैसे ही दोस्तों हम जहाँ पर आपकी गुलाई उस जगह पर दोस्तों कमर का नाप लेंगे, कमर दोस्तों हमारी आ रही है 17.5 इंच, ठीक है। कमर हमारी 17.5 इंच है। अब दोस्तों कमर की गुलाई हमारी कहाँ पर लगी हुई है, इस तरीके से दोस्तों हमें शोल्डर की तरफ से इंची टेप रखना है और गुलाई से निशान लगाना है, जैसे नापना है कि हमारी दोस्तों कहाँ पर गुलाई आ रही है। तो दोस्तों जो हमारी आ रही है गुलाई वो आ रही है 13.5 इंच, तो प्लस करके दोस्तों हम 13.5 इंच लिख लेंगे। अब दोस्तों जहाँ से हमारे चाक ओपन हुए हैं उस जगह से दोस्तों हिप के निशान नापना है, ठीक है। नापना है दोस्तों कितना है हमारा, हमारा है दोस्तों हिप 20 इंच। तो इस तरीके से आपको दोस्तों हिप नाप लेनी है, 20 इंच हमारी आ रही है। अब दोस्तों चाक ओपन किस जगह से हुए हैं, शोल्डर ऊपर से इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और जहाँ से आपके चाक ओपन हुए उस जगह तक दोस्तों आपको नापना है। तो दोस्तों चाक हमारे ओपन हुए हैं 20.5 इंच पे, ठीक है। इस तरीके से हमने प्लस करके नाप लिया है। चेस्ट हमारी 19.5 इंच है, कमर 17.5 इंच है, हिप हमारी 20 इंच है। कमर का निशान दोस्तों हमारा 13.5 इंच पे लगेगा, चाक का निशान दोस्तों 20.5 इंच पे लगेगा। अब दोस्तों ये हमने नाप ले लिया है, कोई जैसे मैंने दोस्तों नाप लिया है सूट का, उसी प्रकार दोस्तों आपको नाप लेना है। अगर दोस्तों कोई भी डाउट लगता है तो दोस्तों हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब दोस्तों हम सूट लेना है जो सूट हमें बनाना है, ठीक है। जैसे हमने ये सूट ले लिया है और दोस्तों इसके हमने गला वगैरह बना के तैयार कर लिया है, पीछे का भी गला और आगे का ही गला हमने बना लिया है, शोल्डर वगैरह हम इसके जोड़ लिए हैं, कंधे वगैरह। और नॉर्मली क्या करेंगे दोस्तों, दोनों पल्ले आपस में इस तरीके से आपको मिलाना है फिनिशिंग से और आपको बिछा लेना है, ठीक है। इस तरीके से दोनों पल्ले आपस में बिछाने हैं, कहीं पर भी आपका कम ज़्यादा ना हो, एकदम फिनिशिंग से आपको बिछा लेना है। अब क्या करेंगे दोस्तों, एकदम अच्छे से आपको सेट करना है, कहीं से भी आपका आगे पीछे कपड़ा ना हो। अब दोस्तों चौक लेंगे और चौक दोस्तों हमारी होती है मोटी, जब हमारी नई चौक होती है तो दोस्तों इसकी किनारी जो होती है दोनों तरफ की वो मोटी होती है, ठीक है। दोनों तरफ की हमारी किनारी मोटी होती है, तो दोस्तों मोटी चौक से हम निशान लगाएंगे तो दोस्तों फिटिंग के निशान हमारे सही नहीं लगेंगे। तो कैंची की मदद से दोस्तों जो हमारी किनारी होती है चौक की, उसे पतला कर लेंगे, यानी कि हल्का हल्का साइड से चौक को घिस देंगे, ठीक है। कैंची की मदद से हल्का हल्का चौक साइड से घिस देंगे तो दोस्तों हमारी चौक की जो किनारी होगी वो पतली हो जाएगी, इससे दोस्तों हमारे निशान काफ़ी परफेक्ट लगेंगे और फिटिंग हमारी एक ही बार में ही आ जाएगी। अगर मोटी चौक आप निशान लगाएंगे तो दोस्तों आपको मोटा निशान लगेगा। इस तरीके से 20 सेंटर का आपको दोस्तों निशान लगा लेना है, प्रेस करके आप कटिंग करेंगे सूट तो क्रिंच बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले दोस्तों शोल्डर की तरफ से इंची टेप रखेंगे और जितनी आपकी कमर का निशान लिया है ना 13.5 इंच पर आपको निशान लगाना है एक, ठीक है, जहाँ पर हमारी कमर का निशान लगेगा। और दूसरा दोस्तों आपको 20.5 इंच पर लगाना है निशान, जहाँ से आपकी चाक ओपन होंगे। इस तरीके से दोस्तों आपको निशान लगा लेने। अब दोस्तों सबसे पहले हिप का निशान लगाएंगे, जैसे 20 इंच हमारी हिप है तो दोस्तों इस तरीके से हाफ करते हुए 10 इंच का आपको निशान लगाना है, यानी कि 20 इंच का इधर लगा देंगे और दोस्तों इस तरीके से इधर निशान लगा देंगे, ठीक है। हाफ करते हुए 20 सेंटर से निशान लगा देंगे 20 इंच की हिप का। अब दोस्तों कमर का निशान लगाना है, जैसे हमारी 17.5 इंच है तो 9.5 इंच इस तरीके से निशान लगाना है, यानी कि 17.5 इंच का टोटल आपको निशान लगाना है, ठीक है। ये हमारे कमर का निशान लग गया। अब चेस्ट का निशान लगाना है आपको सेंटर करते हुए इस तरीके से 19.5 इंच दोस्तों हमारी चेस्ट है, इस तरीके से आपको सेंटर करते हुए 19 इंच 19.5 इंच पे चेस्ट का निशान लगा लेना है। ये दोस्तों हमारे निशान लग गए। अब सेफ अंटी लेंगे, सेफ अंटी के दोस्तों इसकी मदद से हम इसमें निशान लगा लेंगे, सर चेस्ट के ऊपर से रखेंगे चेस्ट की तरफ से और कमर पे निशान लगा देंगे और कमर से दोस्तों रखेंगे और हिप तक आपको निशान इस तरीके से लगाना है। ये दोस्तों सेफ अंटी से हमारी काफ़ी अच्छी फिटिंग आती है सूट की, सेफ देकर निशान लगाते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों दूसरी तरफ भी हम निशान
लगा देंगे। अब कमर पे दोस्तों हल्की सी हम गुलाई दे देंगे, जिससे कि जो दोस्तों हमारी कमर की गुलाई एकदम फिनिशिंग से बन के आएगी। इसी तरीके से दोस्तों आपको गुलाई दे देनी है। ये दोस्तों जो हम निशान लगाते हैं, ये लगाते लगाते ही आते हैं, एकदम नहीं आते हैं। अगर प्रैक्टिस करेंगे आप तो नॉर्मली निशान लगाना आपको आ जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों मशीन पर चलते हैं और आपको निशान पर ही सिलाई लगाना सिखाते हैं। ये दोस्तों हमने निशान लगा के आपको दिखा दिए थे, अब इस पर ही जो हमने निशान लगाए हैं उसी निशान पर ही दोस्तों आपको सिलाई लगानी है। इस तरीके से दोस्तों आपको फिनिशिंग से ही जो हमने निशान लगाए उन्हीं निशानों पर ही दोस्तों आपको सिलाई लगानी है, एक जैसी शेप देते हुए। अगर दोस्तों हमारे सिलाई से रिलेटेड वीडियो और भी देखनी हो तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और सिलाई से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। अब दोस्तों जहाँ से हमारे चाक ओपन होते हैं उस जगह पर दोस्तों आपको हल्का सा पक्का करना है और दोबारा से दोस्तों इसे घुमाना है और इस पर दोस्तों डबल सिलाई लगा लेंगे। सिलाई दोस्तों हम डबल लगाते हैं तो इसलिए हल्का सा बड़ी सिलाई लगा सकते हैं, 4 नंबर की, जिससे कि डबल सिलाई लगाएंगे तो दोस्तों हमारी ठीक सिलाई लगेगी। ठीक है, इस तरीके से हमने डबल सिलाई लगा ली। एक तरफ दोस्तों हमने सिलाई लगा ली है, अब इसी तरीके से ही दोस्तों आपको दूसरी तरफ सिलाई लगानी है। ठीक है, एक हमारी ऊपर की तरफ से लगी थी सिलाई और एक सिलाई दोस्तों हमारी चाक की तरफ से लगेगी। ठीक है, आगे पीछे अगर आपका कपड़ा हो जाता है तो उसको दोस्तों बराबर इस तरीके से फिनिशिंग से कर लेना है। करने के बाद दोस्तों नीचे की तरफ से दोस्तों हम सिलाई लगाएंगे, जहाँ पर आपके चाक ओपन होंगे उस जगह से दोस्तों आपको हल्का सा पक्का करना है और निशान पर ही दोस्तों आपको फिनिशिंग से सिलाई लगानी है। सिलाई में दोस्तों आपकी कोई गलती ना हो, एकदम जो हमने निशान लगाए हैं उसी जगह पे ही दोस्तों आपको सिलाई लगानी है। अगर दोस्तों आपके निशान सही लगे होंगे तो आपकी सिलाई भी सही लगेगी और आपकी फिटिंग भी एकदम मस्त आएगी। इस तरीके से दोस्तों हमने एक सिंगल सिलाई लगा दी है, अब दोस्तों आपको डबल सिलाई इसी के ऊपर लगानी है। अगर दोस्तों आपको कोई भी डाउट लगता है तो दोस्तों हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आया। कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है तो हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। ये दोस्तों हमने सिलाई लगा दी और धागे वगैरह जो भी हैं आपके वो कटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने सिलाई लगा दी और जो भी आपको लगता है कि हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आपको हल्का हल्का कपड़ा कटिंग कर देना है, अगर आपका आड़ा टेढ़ा कपड़ा होता है तो। इस तरीके से दोस्तों हमने कटिंग कर दी एक तरफ और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से आपको कटिंग कर देना है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इस तरीके से दोस्तों हमने कपड़ा कटिंग कर दिया, सिलाई लगा दी है। अब दोस्तों काउंटर पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसकी फिटिंग परफेक्ट आई है नाप से या नहीं। इस तरीके से दोस्तों हमने ये सूट पे सिलाई लगा ली है, अब इसे सीधा करेंगे। नॉर्मल जैसे सीधा करते हैं उसी तरीके से आपको सीधा करना है और इसको सूट को हम नाप कर दिखाएंगे। इस तरीके से दोस्तों आपको सेट कर लेना है कपड़ा, दोनों एकदम बराबर से ही मिला लेना है, ऊपर नीचे से एकदम फिनिशिंग से, और दोस्तों इसे हम नाप कर दिखाएंगे। ठीक है, अच्छे से आपको सेट करते हुए बिछाना है। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इंच टेप लेंगे फिनिशिंग से, अब क्या करेंगे इसे नापेंगे। कपड़े को एकदम फिनिशिंग से पूरे सूट को अच्छे से बिछाना है। चेस्ट सबसे पहले दोस्तों हम नापेंगे इस तरीके से। तो दोस्तों चेस्ट जो हमारी तैयार आई है वो आ गई 19.5 इंच की। ठीक है, चेस्ट हमारी 19.5 इंच है। अब कमर नापेंगे, कमर दोस्तों हमारी आएगी इस तरीके से, इंची टेप रखेंगे और इंची टेप दोस्तों रखेंगे और कमर हमारी आएगी 17.5 इंच। तो 17.5 इंच हमारी कमर तैयार है। अब हिप नापेंगे, जहाँ से आपके चाक ओपन होते हैं उस जगह से हिप नाप लेंगे। दोस्तों हिप हमारी 20 इंच है तो हिप भी दोस्तों हमारी 20 इंच है। अगर दोस्तों आपको कोई डाउट लगता है, जैसे नापने में कोई डाउट लगता है, तो दोस्तों जो हमने बना हुआ सूट लिया था उससे भी दोस्तों आप नाप सकते हैं, यानी कि इसी के ऊपर दोस्तों बना हुआ जिससे हमने नाप लिया था उसी को दोस्तों सूट के ऊपर अच्छे से बिछा देंगे और आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारी फिटिंग एकदम सही आएगी या नहीं। इस तरीके से आपको सेट कर लेना है कपड़े के बराबर से। तो दोस्तों हमारे एकदम जो नाप लिया था उसी के बराबर से ही फिटिंग आई है, कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको सेट करके देख लेना है। इस वीडियो में दोस्तों हमने आपको सिखाया है बने हुए सूट से नाप लेकर सूट की फिटिंग के निशान कैसे लगाएं बहुत ही आसान तरीके से। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को अलाउ कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। इसी तरह सिलाई से रिलेटेड वीडियो देखें दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।